हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट शेयर के ऊपर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर, इस शेयर के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट शेयर्स के ऊपर। इस स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 14.5% से ज़्यादा का एक बहुत ही शार्प रैली देखने को मिला। स्टॉक इंट्राडे में 48 रुपीज़ के गेन के साथ क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया। फाइनली आफ्टर 10:30 हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, वापस से स्टॉक रिट्रेस बैक किया, और अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड हाफ में स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा रैली देखने को मिला। स्टॉक का 52 वीक हाई 390 रुपीज़ का है, 52 वीक लो 82 रुपीज़ का है, और इस स्टॉक को हम लोगों ने 150 रुपीज़ के ब्रेकआउट लेवल से ही ट्रेड करना स्टार्ट किया था। जितने भी लोग इस चैनल पे रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आज इस स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिला, लेकिन अभी आपको अगर आपने नीचे के लेवल पे बाई नहीं किया है तो इस लेवल पे अभी आपको इस स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे रीजन क्या है, तो यहाँ पे स्टॉक वापस से अपने एक रेसिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। 390 का हाई लगा था, और आज का हाई अगर देखेंगे तो 389.4 का लगा है, और वहीं से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है। ऑल्दो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे तो वॉल्यूम में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, अगर सपोज यहाँ पे कल ब्रेकआउट कर जाता है फ्लो में तो भी आपको बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे से मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो बेटर है यहाँ पे वेट कीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 2 से 3 दिन टाइम स्पेंड कर देता है और उसके बाद वापस से ब्रेकआउट देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहाँ पे कि डाउन साइड में हम लोग 360-370 के SL के साथ इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और ऊपर की साइड में फिर हम लोगों को 500 तक का इस स्टॉक में लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।